हाय फ्रेंड्स, मनमोहन। 2019 में अगर हमने वो अचीव नहीं किया जिसको हम अचीव करना चाहते थे, तो क्या उसके रीज़न हो सकते हैं? क्या वो मोटिवेशन है, मनी, कुछ सेमिनार्स, कुछ वर्कशॉप्स की कमी, या कुछ बुक्स और नहीं पढ़ी? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका एक रीज़न है हमारे ब्रेन की डिज़ाइनिंग, और हमारे ब्रेन की डिज़ाइनिंग इस तरह है कि हमारा ब्रेन हमको किसी भी डिफिकल्ट और स्केरी सिचुएशन से बचाता है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य है आपको सेफ और अलाइव रखना। अब हमको पता चल गया कि ब्रेन हमको हमेशा कुछ भी टफ और मुश्किल काम से रोकता है, तो यहीं पर वो सफलता का राज भी छुपा है। अगर हमको बहुत सफल होना है तो कामयाबी आसान काम में नहीं है, कामयाबी है मुश्किल काम करने में, और मुश्किल काम करने में हमको कुछ डिसीजंस लेने हैं, और डिसीजंस लेते समय हम हमेशा हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, ये बोलें कि नहीं, ये करें कि नहीं, और ये समय केवल 3 से 5 सेकंड का होता है जब आपको चांस होता है कोई भी टफ डिसीजन लेने का, और यहीं पर हम चूकते हैं। एक डिसीजन हमारे प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, पैसे के लिए, न्यू लाइफ के लिए, और हमारी वो न्यू लुक्स जो हम अपने आप को देखना चाहते हैं, वो जस्ट आपके एक डिसीजन से दूर है। यू आर जस्ट ए डिसीजन अवे फ्रॉम योर न्यू ब्रांड अमेजिंग एंड ग्लोरियस लाइफ, बट यू हैव टू टेक दैट डिसीजन नाउ। आदत डालिए वो डिसीजन लेने की, अपनी लाइफ में उन बिहेवियर्स को छोड़िए जो सबॉर्डिनेटिंग हैबिट्स हैं, जो प्रोक्रास्टिनेशन, चीजों को टाल मटोल करने की आदतें हैं, उनको आपको छोड़ना है। उनके प्रति आप स्क्रैम्बल अटैक बोल दीजिए, उनको अभी से छोड़िए, और डिसाइड कीजिए कि जो चीज मैंने 2019 में नहीं की, उनको मुझे 2020 में उन हैबिट्स को, उन आदतों को, और जो माइंड के जो सुबह उठते ही मुझे जो मैसेज मिलते हैं कि वो डाउटफुल है या मेरी कोई चिंता है, उसको मुझे एक एक्साइटमेंट में और अमेजिंग, एक ओवरवेलमिंग न्यू इमोशंस में बदलना है। एंड द सीक्रेट इज यू आर जस्ट ए डिसीजन अवे फ्रॉम योर न्यू ब्रांड इमेज, ग्लोरियस लाइफ। सक्सेस विल फॉलो, बट इट विल कम आफ्टर ए डिसीजन। सो 2020 का नाम आते ही एक क्रिकेट की भाषा याद आती है, और क्रिकेट की भाषा में 2020 मीन्स ईच बॉल इज इंपॉर्टेंट। वी हैव टू बी अटैकिंग, वी हैव टू बी वेरी वेरी एम्बिशियस फॉर रन्स, सो एज इन 2020 ईच डे, ईच वीक, ईच आवर इज इंपॉर्टेंट। अब जबकि एक 10 दिन बीत चुके हैं जनवरी में, ये तो वो टाइम है जहां पर हमारे रेजोल्यूशंस फेड होने लगते हैं, डिटोरिएट होने लगते हैं, और हम भूलने लगते हैं कि ये नया साल था। अभी 1, 2, 3 हमको क्या डिसाइड करना है? नंबर 1, आप जानते हैं आपको क्या करना था, लेकिन हम नहीं करते जो हम जानते हैं कि हमको करना चाहिए। तो नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू वांट एंड सी योरसेल्फ डूइंग इट नाउ एंड राइट नाउ। नंबर 2, उस हेल्थ की कल्पना कीजिए, उस पैसे की कल्पना कीजिए विच यू वॉन्ट, रिलेशनशिप्स, लव फॉर योर न्यू लाइफ, और उसको होते हुए देखना शुरू करिए। जिस चीज को आप नफरत करते हैं, जिसको आप करना नहीं चाहते, जिस जॉब को आप नफरत करते हैं, जिसमें आप खुश नहीं है, उसको छोड़िए और डिसीजन लीजिए उसको छोड़ने का, और नई जॉब या न्यू कैरियर, नया प्रोफेशन शुरू करने का, क्योंकि ये नया साल है। हर चीज को आप स्क्रैम्बल मींस एमरजेंसी में डाल दीजिए कि मुझे अब वो चीज नहीं दोहरानी जिस तरह से मेरा 2019 चल गया। डू इट नाउ, टेक मैसिव एक्शंस, सी योरसेल्फ डूइंग इट नाउ, दैट इज द सीक्रेट। एंड एक 2020 का बिग सीक्रेट मंत्रा इज पुश योरसेल्फ, एंड पुश योरसेल्फ वेरी हार्ड, बिकॉज आपका माइंड बोलेगा कि मुश्किल काम है, मत करो, चल तो रहा है, गो अगेंस्ट इट, एंड से
आई विल पुश हार्ड एंड आई विल डू एवरीथिंग, जो मुझे पिछली बार मेरे बिहेवियर्स ने मुझे रोका उनको हम चैलेंज करेंगे और वो सब चीज हम पाएंगे जिनकी वजह से, उन बिहेवियर्स की वजह से, उस सोच की वजह से जिन्होंने हमारे चारों तरफ एक जाला बुन दिया इनडिसीजन का, कुछ नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसे देखते रहेंगे, उसको चेंज करना है। डिसीजन लीजिए, अपनी सुबह को बदलिए, अपनी रात को बदलिए, सोने की हैबिट्स को बदलिए, अपने सब वो बिहेवियर्स को छोड़ दीजिए और अपने आप को, माइंड को हमेशा चैलेंज करिए कि जिस चीज के लिए वो मना करे उसके अगेंस्ट में जाके उसको पुश करिए। और पुश करने का एक ही तरीका है, उन चीजों को होते हुए देखिए जो आप चाहते हैं। लाइफ विल चेंज एंड लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन। फ्रेंड्स, ज्वाइन माई 3 डेज NLP सर्टिफिकेशन वर्कशॉप। ये आपको अपना एक नया इमेज देगा, नया ब्रांड देगा। मेरी आप 1-on-1 काउंसलिंग का फायदा उठा सकते हैं, मेरा एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अगर हम वर्कशॉप में जिन चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, आपकी उन दिक्कतों को, उनको 1-on-1 हम समझ के आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। एंड बुक्स और सीडीज हमारी बहुत अवेलेबल है, उनका फायदा उठा के यू कैन चेंज योर लाइफ एंड टाइम इज नाउ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।